Morning, sixth class students. Welcome to the science class. How are you, my dear students? Students, we have started in the previous video our chapter number 15, Air Around Us. Okay, students. In this chapter, we have studied that air is found everywhere. We cannot see the air, but we can feel it. Air in the motion is called wind, and air occupies space. It is also a mixture of number of gases, dust particles, water vapors, etc. Students, now let us study some more topics of this chapter, that is air around us. Students, you can see here moving air is called wind. देखो बेटा, ये जो आपको पेड़ की direction है, ये क्या show कर रही है कि ये जो air है हमारी इस direction में move कर रही है, जिस direction में हमारे trees move कर रहे हैं, ठीक है? तो this is called wind. Activity. That activity क्या prove करेगी? Suppose we have one empty bottle and in that bottle there must be air present. Okay? Take an empty bottle which is inverted, dipped under water. इसको हम dip कर देंगे water में. अगर हम इसको straight dip करेंगे तो क्या होगा? देखो, हमने इसको straight dip किया तो क्या हुआ? ये सीधा बिल्कुल नीचे चली गई है. अभी इसके अंदर कोई भी वाटर फिल नहीं हुआ. हमने इन्वर्टेड मीन्स उल्टी बॉटल ली है, ठीक है? रिवर्स, इसको उल्टा करके ओपन माउथ इसका नीचे वाटर की तरफ, यानी वो इस साइड होगा हमारा, और हमने इसको डिप किया, ठीक है? बट व्हेन वी टिल्ट इट, जब हम इसको देखो टिल्ट कर देंगे, ये देखो टिल्टेड हो रखी है ना, तो क्या हो जाएगा? टिल्ट होने से एयर को स्पेस मिल जाएगी. आप देखो, एयर को स्पेस मिल गई टू गो आउट और वाटर को स्पेस मिल गई टू कम इन. तो हेंस वी प्रूव दैट जो एयर बबल्स वाटर में से बाहर आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं? वो एम्प्टी बॉटल में से आए हैं, ठीक है? जब तक एयर बाहर नहीं निकलेगी तब तक वाटर अंदर नहीं जाएगा. इट मीन्स एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. देखो, एयर का कोई कलर नहीं होता. ओके, एयर हैज़ नो कलर. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है? आप एयर में से दूसरी साइड आप देख सकते हो, आपके चारों तरफ एयर प्रेजेंट है. यू कैन सी द पीपल स्टैंडिंग अराउंड यू, यू कैन सी द थिंग्स अराउंड यू. इट मीन्स एयर हैज़ नो कलर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ओके, एंड द एनवेल्प ऑफ एयर. एनवेल्प मीन्स कवरिंग, कोटिंग, ठीक है? ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो आपको कोटिंग दिखाई दे रही है ना बेटे, दिस वन, ये जो कोटिंग है ये एक मोटी परत है. जैसे कि आप रात को सोते समय ब्लैंकेट लेते हैं, वैसी एक कवरिंग. देखो, अर्थ को ऐसी कवरिंग ने कवर कर रखा है. सो वी कॉल दिस एज, हम इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एटमोसफियर. हम इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट इज, एज वी गो हायर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसे ही हम सरफेस पे हायर जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, वहाँ पे एयर की थिकनेस कम होती चली जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट हायर लेवल, ठीक है? तो अगर हम कहें कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हमें क्या कैरी करना पड़ेगा? वी शुड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है? तो हम क्या कैरी करेंगे फिर? फिर हम कैरी करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि टॉप ऑफ द माउंटेन के ऊपर ऑक्सीजन क्या है? कम है. देखो, इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये पर्सन ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहा है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही माउंटेन पे क्लाइंब करेगा. ओके, नेक्स्ट इज, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. देखो, वी हैव स्टडीड नाइट्रोजन इज 78%. आप यहाँ पे देख सकते हो
मेजर पार्ट क्या है आपका, देखो ये जो आपका मेजर पार्ट है नाइट्रोजन है, क्लियर। नेक्स्ट इज हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है आप इसको भी देख सकते हो, दिस इज ऑक्सीजन, ये कितना है, ये हमारा 21%। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट स्मोक, ये जो रेस्ट थिंग्स है ना ये हमारा नियरली 1% कवर करती हैं, रेस्ट ऑल थिंग्स कवर नियरली 1%। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन क्या है, इट हेल्प्स इन बर्निंग। देखो ये एलपीजी बर्नर है आपका, घर पे आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। अब ये एलपीजी की बर्निंग तभी पॉसिबल है अगर आपके आसपास एयर प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर ब्रीदिंग, आप तभी सांस ले पाओगे जब आपके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। आप क्या करते हो, यू इनहेल, इन मैंने अंदर, यू इनहेल ऑक्सीजन, और उसके बाद आप क्या एक्सहेल करते हो, यू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। आप बाहर क्या निकालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल क्या करते हो बेटा, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ओके। एक्टिविटी, हाँ जी, वाटर हम एक कंटेनर में थोड़ा सा वाटर ले लेंगे, ठीक है। टेक वाटर इन द कंटेनर एंड हीट इट, देखो यहाँ पे हीटिंग चल रही है, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट टाइनी बबल्स, यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे टाइनी बबल्स शो हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये जो टाइनी बबल्स हैं, ये बबल्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज द रीज़न इज दैट द लिक्विड वाटर इट ऑन हीटिंग, ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड इंटू वाटर वेपर्स। किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है ये, क्लियर। इसीलिए ये जो आपको बबल्स दिखाई देते हैं, दिस इज नथिंग, दिस इज, ये आपको क्या शो हो रहे हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, क्या हैं ये, वाटर वेपर्स, यानी कि गैस के बबल्स। कोई भी गैस जब निकलती है तो वाटर में से बबल्स की फॉर्म में दिखाई देती है, ओके। यस, एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग, एक और एक्टिविटी है, ये बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, इसको आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं मम्मा के प्रेजेंस में। हाँ जी बेटा, हम क्या करेंगे, वी टेक अ स्मॉल कैंडल, ठीक है, हम एक देखो स्मॉल कैंडल ले लेंगे इस तरह से, और हमने क्या करना है, इसको बर्न कर लेना है। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक इन्वर्टेड ग्लास इसके ऊपर रख देंगे, देखो यू कैन सी, यहाँ पे ये इन्वर्टेड ग्लास दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से इन्वर्टेड ग्लास इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे, मतलब उल्टा ग्लास रख देंगे। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये जो कैंडल है ये क्या हो गई है, देखो क्या हो गई है, ये कैंडल बुझ गई है, इसकी फ्लेम गो ऑफ हो गई है, ठीक है। तो आपको क्या पता चलेगा, द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज क्या है, बिल्कुल बंद हो गई है, नाउ इट स्टॉप्स बर्निंग। बट इट शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबस्टन, एज यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट थी ना, यहाँ पे ये सारी एयर जब कैंडल ने कंबस्टन के लिए यूज़ कर ली और ये ख़त्म हो गई, तो हमारा कंबस्टन का प्रोसेस भी क्या हो गया, स्टॉप्स, कंबस्टन भी स्टॉप कर गई। सो इट शोज दैट एयर इज असेंशियल फॉर बर्निंग, ओके। नाउ दिस इज ऑक्सीजन साइकिल, साइकिल क्या होता है, आप सभी चलाते हैं ना गोल गोल पहियों वाला, वैसा ही ये साइकिल है। देखो ट्रीज फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं, ट्रीज फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड उसके बाद ये क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ट्रीज, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज टेकन बाय एनिमल्स, देन एनिमल्स फिर क्या छोड़ेंगे, एनिमल्स विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एनिमल्स ने क्या रिलीज की, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आफ्टर दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने ले ली, प्लांट्स ने, फिर प्लांट्स ने क्या छोड़ी, ऑक्सीजन। तो बन गया एक साइकिल, देखो गोल गोल है ना, साइकिल बन गया ना, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली होता रहता है बेटे,
इस साइकिल को हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ऐसे ही हमने वाटर साइकिल भी किया था ना लास्ट चैप्टर में, 14 चैप्टर वाटर में, तो ऐसे ही ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर टुडे, हैंस वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, गो टू द एनसीईआरटी बुक, रीड द कंप्लीट चैप्टर एंड ट्राई द बुक वर्क ऑफ एनसीईआरटी बुक एंड इंडियानिका बेस्ड लर्निंग वर्क बुक। बाय बाय स्टूडेंट्स।